जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में, क्योंकि पब्लिक जो जनता दर्शन में आती है उन लोगों की काफी शिकायतें थी कि जो चौराहे हैं वो थोड़ा कंजस्टेड, टेम्परेरी अतिक्रमण की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से, जैसे ई रिक्शा, ऑटो या बस, जो सवारी लेने की वजह से जो खड़े हो जाते हैं उसकी वजह से जो स्टैग्नेशन आ जाता है तो जाम लग जाता है। क्योंकि छोटा एक ही चौराहा है यहाँ पे, मेन चौराहा कलाम चौराहा और एक ही मेन बाजार है अंसारी रोड। तो पहले आज तो मैं ईओ साहब के साथ यहाँ पे ये विजिट करने आई हूँ, ये देखने कि हम लोग इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अवलोकन कर लिया कि कहाँ कहाँ किस टाइप की प्रॉब्लम है, उसके बाद अभी बैठ के डिस्कशन करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। हाँ, अभी उसकी पूरी डिटेल पता की जाएगी कि वो किस टाइप का अतिक्रमण था। वो वैसे अस्थायी अतिक्रमण था, उनको आज वहाँ से हटा दिया गया है, बता दिया, वो ड्राइवर्स थे उनको बता दिया गया कि आप यहाँ से हटा लीजिए, तो सब लोग चले गए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी इसकी और क्या इसमें कोई खास बात है या किस टाइप की जो भी बात है वो सारी पता करके सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। अतिक्रमण तो एक तरीके से मैं ये देख रही हूँ, जो मैंने आज देखा आते जाते कि जैसे जो नर्सिंग होम्स हैं उनके सामने काफी मोटरसाइकिल्स खड़ी हो जाती हैं, तो यदि वो लोग अपनी कोई जिस भी उनसे बात की जाएगी, एक तो वो कम हो जाए, एक जो चौराहे के आसपास जो लोग आते हैं वो कहीं भी आड़ा तिरछा अपना खड़ा कर देते हैं, उसके लिए हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस को और अपने कोतवाली थाना अध्यक्ष को और बाकी चौकी इंचार्ज को निर्देशित कर दिया है कि वो टोका टाकी अपनी जारी रखें, जो लोग खड़ा कर लेते हैं उनको निर्देशित करते रहें कि वो चौराहे में या सड़क के बीच में अपना वाहन ना खड़ा करें, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही थोड़े प्रयास के बाद सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।